हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे हम जावा में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। इसको हम लेटर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जावा के अंदर कैसे यूज होता है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। बहुत सारे अगर कंडीशन हमारे पास, बहुत सारे स्टेटमेंट अगर यहाँ पे हैं, तो उसके अंदर जो कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम इसको सिंटेक्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम इफ एक कंडीशन लगाते हैं, तो जो हमारा कंडीशन वन होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर ये जो मेन हमारा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर के कोड, यानी कि ये कोड जो हमारा होगा, स्टेटमेंट ये रन होगा। फिर इसके अंदर एक और कंडीशन होती है एल्स इफ, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन चेक होगी। अगर ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये दूसरे स्टेटमेंट को यहाँ से ये रन कर देता है, यहाँ से दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। फिर इसके बाद से एक और हम कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि ये कंडीशन चेक करने की जरूरत कहाँ पे होती है। आपने देखा होगा जैसे कि कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम, या फिर अगर स्कूल टाइमों में भी आपने देखा होगा कि जैसे कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन फेल है, कौन थर्ड डिवीजन है, कौन सेकेंड डिवीजन है, कौन फर्स्ट डिवीजन है, तो वो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि अगर वो 60% एबव है तो वो फर्स्ट डिवीजन है, उसके बिलो अगर वो है तो सेकेंड डिवीजन है, ऐसे ही फेल है, ऐसे करके ये सारे कंडीशन जहाँ पे पुट करने होते हैं, बहुत सारे कंडीशन अगर होते हैं तो उस जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। वहाँ पे ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा, एक एक कंडीशन को चेक करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे कंडीशन वो फॉलो करता रहेगा, ट्रू होता रहेगा, वो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एल्स इफ स्टेटमेंट, अगर ये तीसरा कंडीशन भी ट्रू होता है तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे करके हम बहुत सारे यहाँ पे एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारा मेन ब्लॉक है इफ एंड एल्स, तो इफ के अंदर हमने ये सारे कंडीशन देखे, ये इफ के अंदर थे। तो अगर ये सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा एल्स का ब्रैकेट, ये जो एल्स का स्टेटमेंट है, ये रन होता है। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का अपने जावा के अंदर। यहाँ पे मैं क्लास एक ले लेता हूँ, पब्लिक पब्लिक क्लास, फिर इसका नेम मैं दे देता हूँ इफ एल्स इफ एग्जाम्पल। इसके बाद से हम अपना मेन मेथड स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसके बाद इफ एल्स इफ हम कंडीशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास है फेल है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैं मार्क यहाँ पे सेट कर देता हूँ 65, मार्क्स की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया मैंने 65। इसके बाद से हम एक इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर मार्क्स बिलो 50 है, अगर ये मार्क्स बिलो 50 है तो इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट होएगा फेल। ऐसे ही इसके बाद से हम देख लेते हैं एल्स इफ कंडीशन और डालते हैं, जिस पे हम और भी बहुत सारे ग्रेड हम डिसाइड कर देंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो जो आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे एल्स इफ के लिए। एल्स इफ के अंदर हम कंडीशन लेंगे जो हमारा मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 60 है जो हमारा मार्क्स है, सॉरी यहाँ पे हम पहले 50 कर लेते हैं जैसे कि हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर वो 50 से ज़्यादा या फिर उसके बराबर है और 60 से कम है तो इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, ग्रेड इसके अंदर जो हम प्रिंट कराएंगे, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैं इसको बार बार यूज़ करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे जो प्रिंट कराएंगे हम इसको देंगे डी ग्रेड, डी ग्रेड स्टेटमेंट हम प्रिंट करा देंगे। ऐसे ही हम और भी कंडीशन हम देख लेते हैं, जैसे कि एल्स इफ के अंदर ही मार्क्स को अब हम सेट करेंगे, वो 60 से अगर ज़्यादा हो और 70 से कम हो तो हम इसके लिए स्टेटमेंट जो प्रिंट कराएंगे वो होगा सी ग्रेड के लिए। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मैसेज सी सी ग्रेड। ऐसे ही करके मैं यहाँ पे सारे ग्रेड डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि अभी 60 तक हुआ, फिर हम इसको 70 कर देते हैं, 70 से ज़्यादा हो और 80 से अगर कम हो तो ये हमारा जो ग्रेड होएगा ये होएगा हमारा बी ग्रेड। अगर ये मार्क्स 80 या फिर 80 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो हम यहाँ पे जो ग्रेड देंगे वो हम दे देंगे यहाँ पे ए ग्रेड। 90 से अगर ज़्यादा हो नंबर और ये 100 से कम हो तो हम यहाँ पे दे देंगे ए प्लस ग्रेड। तो मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ। हमने जो इनिशियली मार्क यहाँ पे डिसाइड किया है 65, जो मार्क की वैल्यू हमने सेट किया है यहाँ पे 65,
तो क्या होगा अगर ये मार्क्स जो होगा वो 50 से कम होगा, तो अगर ये सिर्फ ये 50 से कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इक्वल टू लगाया नहीं है, तो अगर 50 भी आता है तो वो इस कंडीशन को ट्रू नहीं करेगा, 50 से कम होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक इक्वल टू लगाया नहीं है। तो अगर वो 50 से कम आता है तो वो फेल वहाँ पे कंसोल पे हमारे प्रिंट हो जाएगा कि वो स्टूडेंट फेल है। फिर ऐसे ही हम बात करें दूसरी कंडीशन कि अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल्स टू है और 60 से कम है, ये जो डबल हमने एंड का यहाँ पे ऑपरेटर जो यूज़ किया है, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होएगा, एग्जीक्यूट होएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ऐसे ही हम यहाँ पे और स्टेटमेंट यानी कि ऐसा स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि दोनों में से अगर एक कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो ये अगला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो 50 से अगर ज़्यादा या फिर उसके इक्वल टू हो और 60 से कम हो तो हम उसके अंदर डी ग्रेड प्रिंट कराएंगे। ऐसे ही 60 के इक्वल टू या फिर 60 से ज़्यादा हो और 70 से कम हो तो हम सी ग्रेड प्रिंट कराएंगे। ऐसे ही करके अगर हमारा मार्क्स 90 से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल टू है और 100 से कम है तो हम जो स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे ए प्लस ग्रेड। तो ये जो हमारा इफ के अंदर का ये सारा था, अब हम एल्स का पार्ट लिख देते हैं कि अगर ये सारी कंडीशन से अगर बाहर कोई चीज़ आती है इनवैलिड टाइप की तो हम एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इनवैलिड। इसको हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, जैसे कि कहीं यहाँ पे इसके अंदर मिस्टेक होगी कि हमने मार्क्स की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया या फिर कुछ ऐसा ले लिया जो ये सारी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो हमने मार्क्स डिसाइड किया वो इनवैलिड है, तो इसके लिए मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट हमारा रन करेगा जब ये सारी वैल्यू ये सारे कंडीशन ट्रू होते रहेंगे। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा, जहाँ पे भी ट्रू होएगा वो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 65 लिया है तो ये यहाँ पे इसके अंदर आएगा क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है, 65 जो है हमारा 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है, तो आप भी देख सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट सी ग्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव करके इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। मैं इसका नेम दे देता हूँ फाइल का इफ एल्स इफ एग्जाम्पल डॉट जावा। सेव करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जावा सी इफ एल्स इफ एग्जाम्पल डॉट जावा। कंपाइल करने के बाद हमारी बाइटकोड जनरेट हो गई। इसके बाद से हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं इफ एल्स इफ एग्जाम्पल, फिर इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट सी ग्रेड आई, क्योंकि हमने यहाँ पे जब देखा था 65 है ये इसके अंदर ही लाई करता है यहाँ पे, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है 65 और 70 से कम है, इसके लिए ये सारा ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम जब चेंज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 45, तो जैसे कि आपको भी पता है कि ये 45 क्या होता है, 50 से कम है, तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी ये प्रिंट होगी फेल। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, पहले कंपाइल करेंगे वापस से इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी फेल। ऐसे करके आप सारे ऐसे कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाइए कंडीशन बेस, जिससे आप इस इफ एल्स इफ लेटर में आप कंप्लीटली एक्सपर्ट हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।